साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान के चलते तिरंगामय हो चुका है। वहीं आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर लखनऊ के चौक में स्थित प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी महाराज का भव्य तरीके से त्रिवेणी श्रृंगार किया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भव्य नजारा लखनऊ के चौक में स्थित लेटे हुए हनुमान जी महाराज मंदिर का है, जहां हनुमान जी महाराज का भव्य रूप से तिरंगा श्रृंगार किया गया, जो कि एक अद्भुत नजारा था। इस दौरान पंचवटी घाट पर प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा, श्री अविनीश सिंह, श्री पवन सिंह, श्री संजय चौधरी व डॉक्टर राकेश त्रिवेदी ने हनुमान जी को राष्ट्रीय ध्वजों के रंगों से बनी हुई वस्त्र और त्रिवेणी माला अर्पित की और साथ ही आरती और पूजन भी किया। आरती पूजन के बाद माननीय अतिथियों ने भारत माता की आरती उतारी और इस अवसर पर श्री स्वतंत्र देव सिंह ने 108 फीट ऊंचे ध्वज का दर्शन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा, गोमती तट पंचवटी घाट को जल्द ही धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं पातालपुरी हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तांगड़ी, सचिव ठाकुर पंकज सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष श्रिद्धि किशोर गौड़ ने मुख्य विशिष्ट अतिथियों को तिरंगा अंग वस्त्र एवं हनुमान जी का चित्रण देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के सुरेंद्र सुदन, अखिलेश कुमार, जगदीश श्रीवास्तव के साथ भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए। इस दौरान ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया ने बताया कि हमारी ट्रस्ट का प्रयास है कि इस दिव्य धाम को राष्ट्रीय चेतना और धर्म जागरण के अद्भुत स्थल के रूप में जाना जाए। तो वहीं इस अवसर पर मंदिर में संचालित अन्नपूर्णा सेवा के माध्यम से लगभग 300 गरीब एवं निराश्रित जनों को गणमान्य अतिथियों के द्वारा भोजन भी कराया गया। साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तांगड़ी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में स्वधर्म और राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण और प्रेम का आवाहन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।